हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी को वेलकम करता हूं अपने चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम बड़ा ही सुहाना है, तो चलते हैं मिशन की तरफ। यहां पर आप करें वीडियो एंजॉय। मिलता हूं आपको थोड़ी देर बाद वीडियो के फिनिश होने पर। Let me guess, sweet. Senseless killing, right? But a boyfriend from the south side, wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. Ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. तो दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर से हाजिर हूँ। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से गैरेज से पहले मैं अपनी एक जो साइकिल है वो निकालूंगा, उसकी मदद से हम पहुँचेंगे लोकेशन पर जहाँ से हमको एक कार है वो पिकअप करनी है। उसके बाद वहीं पे उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से चलते हैं आराम आराम से, यहाँ से टर्न लेते हैं, यहाँ अटक गया है। तो आराम आराम से दोस्तों चलेंगे। मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही प्यारा दिन है, जैसे कि आप लोगों को नज़ारा आ रहा होगा। बहुत ही शांति है शहर में। यहाँ से मैं कुछ साइकिल को रेस दूँगा ताकि जल्द से जल्द लोकेशन पर पहुँचा जाए। तो दोस्तों, यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं ताकि जल्द से जल्द पहुँच जाए लोकेशन पर। ये बहुत ही खूबसूरत टर्न, और टर्न के साथ ही बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट भी हो गया दोस्तों। तो आप चलते हैं वापस से, अपनी साइकिल उठाते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल तरीके से साइकिल चला रहा है ये। सामने जो हमारी लोकेशन पहुँच गई, रेड सर्कल पर हम साइकिल को रोकेंगे। अब जो ये गाड़ी है दोस्तों, जिस की तरह कि आपने देखा है कि इसको इस तरह मॉडिफाई किया गया, इसको कुछ हम भी मॉडिफाई करेंगे। इस बंदे से गाड़ी की पिकअप करते हैं, फिर आपको इसकी मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। तो आपने जिस तरह देखा कि ये गाड़ी जो है जम मारती है, इसके पता नहीं कौन से सस्पेंशन इसमें लगाए हुए कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जम मारती है, और ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसको पीछे गैराज में ही मॉडिफाई करेंगे। तो पीछे रिवर्स लेते हैं, गैराज के एंटर करते हैं गाड़ी को। तो ये जो हो गए पेंट जॉब, तो नंबर टू पे सेलेक्ट करते हैं सर। जल्दी जल्दी इस मॉडिफाई कर लेते हैं गाड़ी को, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम ना ज़ाया करते हुए आगे मिशन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको आराम आराम से मॉडिफाई, मतलब इसको फुल मॉडिफाई करूँगा, तो उसमें जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसमें फिर एडिटिंग में इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। आराम आराम से इसको लेके जाएंगे ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं डेंट वेंट गाड़ी पर ना पड़े। कोशिश करते हैं इसलिए प्यार मोहब्बत से गाड़ी को लेके जाएंगे। अच्छी गाड़ी भी है, बहुत ही प्यारे जो इसके जंप और सस्पेंशन है, बहुत ही नरम जा रही है गाड़ी। चलो, यहाँ उस एक्सीडेंट होते होते रह गया। एहतियात से गाड़ी को आगे बढ़ानी होगी ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरी जो गाड़ी हो को पोजिशन में हम उतारें। और जितनी भी कोशिश करो, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है दोस्तों। खैर, अब तो एक्सीडेंट हो ही है, तो चलते हैं अब स्पीड में। अब इस ट्रैक से जो है वो गाड़ी निकालते हैं रोड की तरफ, और यहीं से लेंगे टर्न, यहाँ से लेंगे टर्न। तो ये साइड पे जो ग्राउंड है, यहाँ पर हो रहा है कंपटीशन। तो दोस्तों, ये जो कंपटीशन है ये थोड़ा शुरू शुरू में हार्ड लगता है, क्योंकि जो कीज़ है उसको बिल्कुल अब को टाइम पर ही प्रेस करना होता है, सर्कल के टाइम पर। अगर सर्कल के टाइम पर हमने प्रेस नहीं की तो इससे हमारा मिशन जो फ्लो फेल हो जाता है, और उसको हम पॉइंट हासिल करने पड़ते हैं। तो ये लड़की भी अपने साथ बैठेगी,
जिस तरह की आप देख रहे हो, ये जो है ये गैंगस्टर लोगों का जो है वो कोई गेम वेम है, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, तो उस हिसाब से ही लड़कियाँ को गाड़ी में बिठाया इन लोगों ने। तो इस तरह के कुछ जंप वंप है, वो हमको मारने हैं गाड़ी के, मतलब गाड़ी से कलाबाजियाँ करवानी है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो में कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी हो तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। कंपटीशन जो अब तक गुड पे जा रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि गुड लिखा हुआ आ रहा है, तो उस तरह 210 पॉइंट जो है वो मेरे हैं, नहीं 410 जो है वो मेरे हैं और 320 जो है वो अपोजिशन वाले के हैं, मतलब सामने वाले के। अब तक तो मैं ही आगे जा रहा हूँ, 700 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं यहाँ पर मैंने। कॉम्पिटिटर जो है वो मुझसे 200 पॉइंट तक पीछे है। लड़की को और सीजे को अगर आप नोट करें तो ये बिल्कुल सीट से चिपक चुके हैं, बिल्कुल ही गाड़ी जितने भी धक्के खा रहे हैं ये लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं, अगर आप नोट करें तो एल्फी की तरह चिपके हुए हैं। ये अब लड़की ने कुछ हरकत की, शायद सीजे से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सीजे जो है वो अपनी सीट पे बिल्कुल ही अकड़ा हुआ है, बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब दोस्तों रिजल्ट का टाइम आ गया है, तो यह बंदा आएगा और हमको बताएगा कि हम जीते या हारे। तो ये दोस्तों हम जीत चुके हैं, और ये जो लड़की है ये जो है सीजे की सिस्टर है, तो शायद सीजे इसको खुश करने के लिए कंपटीशन में आया था गाड़ी को लेकर। और ये जो लड़का है ये जो है ये सीजे की जो सिस्टर है उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये सीजे को बुरा लगा कि इसने उसके सिस्टर को उसके सामने ही गले लगाया। अब ये दोनों सीजे को समझाते हैं, और बीच में ये दो हंटर गुस्से आ रहे हैं जो मेरे ख्याल से सीजे से कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये दोनों कह रहे हैं इनको कि तुम यहाँ से बाहर रहो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। दोस्तों जब तक आप इनकी ये लड़ाई की वीडियो है इसको एंजॉय करो, मिलता हूँ इसके बाद में आपको। That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. तो यहाँ जो दोस्तों लगता है कि मामला ठंडा पड़ गया है, और ये सीजे जो कुछ नाराज लग रहे हैं उनसे। Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped being skin just then. ये सीजे को कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो सिस्टर है उससे सच्चा लव करता हूँ। तो ये उसको समझा रहा है शायद। Kendo, she's happy with me, Karnal. Yeah, okay. I guess we cool. तो यहाँ सीजे भी इससे मुतमाइन है और इससे हाथ मिलाया दोस्ती का। Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. तो दोस्तों मिशन पास हो गया, मिली रिस्पेक्ट हमें। तो हम अपनी जो ये गाड़ी है जिसको हमने मॉडिफाई किया इसको लेके जाते हैं अपने गैरेज तक, तो इसको वहीं पार्क कर देते हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी को कहीं छोड़ना या मैनेज करना चाहूँगा इस गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी ने मुझे एक कॉम्पिटिशन जिताया, और एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ये, किसी भी वक्त मुझे किसी भी जगह काम आ सकती है। तो इसको हम घर की तरफ स्वीट हाउस की तरफ ही ले जाते हैं दोस्तों। और आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियोस में अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की भी कमी महसूस हो रही हो या कोई भी गलती आपको लग रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसे बेहतर कर सकें। दोस्तों अब स्वीट हाउस तक जाते जाते इस गाड़ी का तो बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि मुझे जो है ड्राइविंग सही नहीं आती है।
ड्राइविंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस तरह की आप देख रहे हैं गाड़ी उनसे इधर उधर भागती है। जिस दिन मैं सही ड्राइविंग करता हूँ उस दिन ये जो लोग हैं वो गाड़ी को ठोक देते हैं मेरी आके। तो ये हम पहुँच गए अपने मोहल्ले स्वीट हाउस। तो इधर ही गैरेज से हम गैरेज सामने है, तो हम यहीं पर रिवर्स लेते हुए गाड़ी को पार करेंगे, बल्कि यहीं सीधे सीधे पार कर लेते हैं। रिवर्स कौन लेगा कि दूसरी गाड़ी के साथ गाड़ी टक्कर खा जाएगी। तो ये गाड़ी पार्क हो गई है दोस्तों। तो अब मेरे पास गैरेज में दो गाड़ियां हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।